बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये मंदिर जाने वाली भीड़ जिस दिन विद्यालय जाने लगेगी, इस भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। और विद्यालय जाने वाली भीड़ को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मुसलमान इस मुल्क के खतरा हैं। बताओ इस देश के ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारे मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? रोहित वेमुला पायल तड़वी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? आपका लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेचकर आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? आपके बच्चों की शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच करके अंबानी अडानी का गुलाम बना दिया गया। लाखों रुपए में डिग्रियां बिकेंगी, जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? और आपको अचानक आके बताया जाता है कि 80% हिंदुओं एक हो जाओ क्योंकि मुसलमानों से खतरा है। अरे मैं आपसे कहने आया हूं 90% इस मुल्क के कमेरा लोगों, हाथ से श्रम करने वाले लोगों एक हो जाओ, ये 10% तेरा लोगों से आपके बच्चों के भविष्य को खतरा है। और केवल शिक्षा बचाओ, मैं एक देश के नेताओं के लिए कहना चाहता हूं, अगर इस देश में हिंदू धर्म खतरे में है तो अमित शाह का बेटा जय शाह हिंदू धर्म बचाने क्यों नहीं जाता?